सो वीडियो का टाइटल देखकर तो आपको पता लग गए होंगे। सो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। तो फिलहाल हम पहुंच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। स्टेशन पहुंचते ही हमें ट्रेन मिल गया। तो हम पहुंच गए आगरा रेलवे स्टेशन। तो हम लोग अभी पहुंच गए ऑटो स्टैंड। सो हम यहां से ऑटो लेंगे। सो हमें ऑटो मिल गया और ये जो ऑटो है इसका जो रेंट है वो है लगभग 120 रुपया। और यहां पर एक टूरिस्ट टैक्स भी भरना पड़ता है, जो कि फिलहाल ऑटो वाला ने भर दिया। सो तो चलिए फिर मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग रेस्टोरेंट पहुंच गए। सो हमने हमारा खाना भी ऑर्डर कर दिया, जो कि खाना अभी आते होंगे। सो भूख बहुत लगी हुई है, तो खाना खाके उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं। खाना बहुत टेस्टफुल है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, जो कि हम लोग वेस्ट गेट से इंटर करेंगे। सो ये देखिए संडे का दिन है, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा है। सो वेस्ट गेट के सामने आपको मार्केट मिल जाएगा, जो कि टूरिस्ट के लिए बहुत पॉपुलर मार्केट है। यहाँ पर हर किस्म की चीज़ आपको मिल जाएगा, जो कि आगरा का फेमस चीज़ है, वो सब इस मार्केट में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ है यहाँ सामने। तो देखिए ये देखिए भीड़ बहुत ही है आज। सो टिकट मेरे पीछे है टिकट काउंटर। तो फिलहाल मैं अभी दिखा देता हूँ आपको टिकट काउंटर। तो ये देखिए कितना भीड़ है, तो टिकट पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए कितना बड़ा लाइन है। यहाँ का जो एंट्री फीस है वो है 200 और है 50 रुपीज। जो 200 वाला है
तो फाइनली हमें टिकट मिल गया और हम लोग अभी लाइन में एंटर हो गए। तो हमने जो टिकट लिया वो 250 का था। तो अभी हम लोग सिक्योरिटी चेक करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। सो यहाँ का जो टिकट है वो अगर आप कार्ड से अपने कार्ड से पासेज करोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। तो ये समय रहा ताजमहल का वेस्ट गेट, जो कि हम लोग अभी यहीं से एंटर करेंगे। सो और एक बात बता दूँ, जो कि आप अगर कार्ड से ट्रिप परचेस करते हो, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से, तो आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। सो ये देखिए, ये है वेस्ट गेट, जो कि सामने से बहुत ही बढ़िया है, इसका डिज़ाइन भी बहुत ही बढ़िया है। सो अभी हम लोग एंटर करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे ताज को। तो चलिए अंदर मिलते हैं आपसे। सो फाइनली एंटर करते हैं, चलिए। भारत की शान एवं प्रेम का प्रतीक माने जाने वाला ताजमहल का निर्माण बादशाह शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज की याद में करवाया था। इस महल का निर्माण शुरू हुआ था 1632 में और ये बनकर तैयार हुआ था 1643 में, लेकिन कुछ कारणवश इसमें 10 साल का और वक्त लग गया, जो कि ये बनने में पूरा 23 साल का लंबा वक्त लग गया और ये फाइनली बन गया 1653 में। इस महल को बनाने में 28 अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल का ऊंचाई करीब करीब 275 फीट है, जो कि एक कुतुब मीनार से भी ऊंची है। तो यहाँ ताजमहल के लेफ्ट साइड में एक मस्जिद भी बना हुआ है, जो कि लाल पत्थरों से बनाया गया था। ताजमहल का निर्माण में करीब करीब 20 लाख रुपया खर्च आया था उस जमाने में, जो कि आज के जमाने में उसकी डेट में 827 मिलियन डॉलर और 52.8 अरब रुपया है। पीछे का जो प्लेटफॉर्म है वो है फोटोशूट प्लेटफॉर्म, जो 3 है टोटल। तो फाइनली हमारे पीछे है ताज, और ऐसा माना जाता है कि हर दिन करीब 10 से 15 हज़ार लोग इस महल को देखने के लिए देश और विदेशों से यहाँ आते हैं। इस ताजमहल के ठीक सामने 3 फोटोशूट सेंटर है, जहाँ से इस महल का पिक्चर बहुत ही क्लियर आता है और बहुत ही ब्यूटीफुल देखने को मिलता है। सो यहाँ से हर कोई अपना फोटोशूट करवाते हैं। इस महल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था।
ताज महल का निर्माण शुरू हुआ था 1632 में, जो कि बनकर तैयार हुआ था पूरा 1643 में, लेकिन इसमें कुछ कारणवश दस साल का वक्त और लग गया। तो फाइनली ताजमहल बनने में करीब 23 साल का लंबा वक्त लग गया। इस महल की चारों ओर चार मीनारे हैं। तो इस महल की चारों ओर जो मीनारे हैं वो थोड़ा सामने की ओर झुकी हुई है, क्योंकि अगर यहाँ पर कभी भूकंप आ जाए तो ये जो चार मीनार है ये मुख्य महल पर कभी ना गिरे, इस कारण ये मीनार थोड़ा बहुत झुकी हुई है सामने की ओर। ये रहा पीछे यमुना नदी, और इस यमुना नदी के खास यहाँ पर भूमिका है, जो कि ताजमहल का नींव है उसको बनाए रखने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और इसी पानी के ज़रूरत को पूरा करती है ये यमुना नदी। सो अगर कभी ये यमुना नदी सीख जाए तो इसका जो नींव है उसमें पानी मिलना बंद हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या कुछ है खास। 240 फीट है, तो चलिए सामने। सो यहाँ का नज़ारा देखते रहिए, बस देखने लायक है। और आपके जानकारी के लिए और एक बात बता दूँ कि इस महल को आप जितना दूर से देखोगे उतना ही आपको शानदार देखने को मिल जाएगा, जितना सामने आओगे उतना सफ़ेद देखने को मिल जाएगा। सो आप अगर दूर से देखोगे तो बहुत ही आपको शानदार देखने को मिल जाएगा। सो ये मेरे पीछे जो है ये और एक मस्जिद है जो कि ताजमहल की लेफ्ट साइड में पड़ता है। तो इस महल को लेकर और एक कहावत प्रचलित है, जो कि है बादशाह शाहजहाँ ने ये घोषित किया था कि ताजमहल बनाने वाला सभी कारीगरों का हाथ काट लिया जाए ताकि वो दूसरा ताज। तो इसी के चलते ताजमहल के कारीगरों ने एक इसमें कमी छोड़ दी, जो कि ऊपर में एक छेद छोड़ दी ताकि बादशाह का सपना कभी पूरा ना हो सके, इस सपना को अधूरा रह जाए। सो ये आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप ताजमहल के कभी अंदर विजिट करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कुछ लटका हुआ है चेन से, जो कि ऊपर से पानी टपकते है और इसमें जो टंप है उसमें ना गिरे। सो हमने अभी एंटर कर लिया, यहाँ पर एक छोटा मोटा सिक्योरिटी चेक होता है, जो कि आप अगर ताजमहल के अंदर विजिट करना चाहोगे तो यहाँ पर आपको गुजरना होगा। सो इस गेट के थ्रू हम लोग एंटर करेंगे अंदर, एरा गेट, और अंदर विजिट करते फिर क्या कुछ एक्सपीरियंस होता है वो मैं बाहर आकर आपको शेयर करूँगा। तो फाइनली हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा, जो कि ताजमहल के अंदर कोई एसी नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसका इस कीमती पत्थरों के कारण इसमें पूरा ठंड है। सो और भी बहुत कुछ है देखने वाला, यहाँ का व्यू देखते रहिए, बस यह गार्डन का व्यू है। तो अगर आप अपने अभी तक ताजमहल को नहीं विज़िट किया है तो आप भी विज़िट करिए और इस महल को देखिए, जो कि दुनिया के हर कोने से इस महल को देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं हर रोज़। सो यहाँ का जो गार्डन वगैरह है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पर टोटल 4 गार्डन है और छोटा मोटा मिला के टोटल 16 गार्डन है, और यहाँ का गार्डनों में वैरायटी आपको फूलों की बगीचा देखने को मिल जाएगा और वैरायटी पेड़ों का भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें कीमती फिर भी है चंदन देवदारू जैसा। सो यहाँ से देखिए यूनिक किस्म का व्यू आ रहा है। सो ये देखिए यहाँ का गार्डन, जो कि अगर आप थक जाओगे तो यहाँ का गार्डन में आप रेस्ट ले सकोगे। तो ये देखिए यहाँ से जो